हम अपने घर में डस्टबिन कहाँ रखें, ये सब अलग अलग सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई कहता पश्चिम में रख दो तो पश्चिम में जगह है, कोई कहता साउथ वेस्ट में जगह है, लेकिन हम आज आपको बताते हैं कि डस्टबिन कहाँ रखें जिससे आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो, वो आपको नकारात्मक ऊर्जा ना दे, और उससे कैसे बैलेंस करें। तो डस्टबिन का काम क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, डस्टबिन की फंक्शनिंग को देख कर काम करें। उसका काम है वेस्ट कलेक्टर, बेकार का सामान इकट्ठा करने की जगह, बेकार का सामान इकट्ठा करने का स्थान। तो बेकार का सामान इकट्ठा करने का स्थान कहाँ है हमारे घर में, वो तीन दिशाएं होती हैं बेकार का सामान इकट्ठा करने में, जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट चाइनिंग एरिया, साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल एरिया, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट लोंगवुड एरिया। इन एरिए में अगर आप डस्टबिन रखते हैं तो आपको नेगेटिव ऊर्जा नहीं मिलेगी, आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, लेकिन इन्हें रखने के लिए भी आपको कलरों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर इसके अलावा भी दूसरे हमारे 13 दिशाओं में है तो उसे भी हम कैसे बैलेंस करें, जैसे नॉर्थ में उत्तर की दिशा में मनी एंड अपॉर्चुनिटी के एरिया में अगर रूम है, बुजुर्ग वहाँ रहते हैं, तो डस्टबिन वेस्ट कलेक्टर आप रखेंगे तो उस वेस्ट कलेक्टर को हम किस कलर का रखें, हमें वो मतलब नुकसान ना करे। तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहाँ हरा कलर का डस्टबिन रख लीजिएगा, तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। तो ऐसी स्वास्थ्य के एरिया में हम क्लॉकवाइज बात करते हैं, ऐसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट स्वास्थ्य का एरिया भी यही काम करता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर आप वेस्ट कलेक्टर रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं, तो उसे भी आप हरे या नीले कलर का रख लीजिएगा, तो आपको वो नेगेटिविटी नहीं देगा। तो ऐसी नॉर्थ ईस्ट में आपको नीले कलर का या हरे कलर का यूज़ करना है। लेकिन नॉर्थ ये सब आपको क्या करना है, रोज आना, उन्हें खाली भी करने हैं, उन्हें रख के नहीं छोड़ने हैं। नॉर्थ के जो तीन दिशाएं, नॉर्थ 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 ईस्ट स्वास्थ्य जोन और नॉर्थ ईस्ट क्लियरिटी का जोन, इस एरिया में अगर वेस्ट कलेक्टर है तो आप नीला या हरा कलर का रख लीजिए। फिर इसके बाद आती है पूरब की दिशा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यदि क्रिएशन ऑफ फन, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट। तो ईस्ट सोशल समाज से जोड़ता है, तो इन सब में अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में अगर आप वेस्ट कलेक्टर रख रहे हैं तो आप सिल्वर कलर का या काले कलर के रखने से बचें। डस्टबिन आपको सिल्वर या काला ना रखें, आप यहाँ हरा या नीला या लाल भी रख सकते हैं, हरा नीला रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी साउथ के एरिया में साउथ ईस्ट कैश फ्लो का एरिया, साउथ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस का एरिया, और साउथ फेम और आराम का एरिया। इन एरिया में अगर आपको डस्टबिन रखना पड़ रहा है तो आप यहाँ हरे या लाल कलर का रख सकते हैं, पीले कलर का भी रख सकते हैं। तो इस एरिया में नीला, काला, सिल्वर, ग्रे, जो भी पानी वाला तत्व है, उस कलर के डस्टबिन ना रखें। डस्टबिन कम नुकसान करेगा, उसका कलर ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। तो उस हमारे को नुकसान ना करें उसके लिए हरा, लाल, पीला कलर का आप डस्टबिन रख देंगे तो आप जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन साफ रोज करने हैं, खाली रोज करने हैं आपको। ऐसी साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का एरिया, पितरों का एरिया, यहाँ अगर डस्टबिन मजबूरी में रखना पड़ रहा है तो पीले कलर का रखें।
हरे कलर का या लाल कलर का बिल्कुल भी ना रखें। ऐसे बच्चों के जो एरिया है, एजुकेशन और सेविंग का एरिया और वेस्ट पश्चिम का एरिया, इस एरिया में अगर आपको डस्टबिन रखना पड़ रहा है, बच्चों के जो एजुकेशन के एरिया में अगर डस्टबिन वहाँ रखा हुआ है, तो उसका काम है वेस्ट कलेक्टर, वो वेस्ट इकट्ठे करते रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर मजबूरी है रखना, तो आप पीले कलर का रखें, लेकिन रोज़ खाली हो। ऐसी पश्चिम में पीले कलर का रखेंगे तो आपको जो गेंस हैं उसमें इफेक्ट नहीं आएंगे। ऐसी नॉर्थ वेस्ट का एरिया, नॉर्थ वेस्ट सब सपोर्टों की एरिया है, जितना भी आपको सपोर्ट मिलती है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आती है। वहाँ भी पीला या लाल कलर का आप रखेंगे तो बेनिफिट उठाएंगे, उसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं होंगे। हरे कलर का वहाँ डब्बा ना रखें नॉर्थ वेस्ट में। ऐसी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अट्रैक्शन का एरिया है, यहाँ भी हरा या लाल कलर का डस्टबिन रखने से बचें। पीला या काला या सिल्वर कलर का आप डस्टबिन रखेंगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं होंगे। आपको एक एक दिशा के हिसाब से वहाँ जो रखा हुआ है उसकी फंक्शनिंग क्या है उसे देखकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फायदा उठाएंगे। अगर उसके अपोजिट काम करते हैं तो वो नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देगा। कोई भी सामान हम वहाँ रखते हैं तो एक दिन या ऐसे हमने कह दिया भाई सुबह रखा है, कपड़े बदल रहे हैं या कपड़े पहनने, क्या उसका इफेक्ट है? तो बहुत सारी बारीकियाँ, पता नहीं किस चीज़ कहाँ से बैलेंस होती है, इतनी बारीकी में न जाके जो रखा हुआ है कुछ समय के लिए आपको वहाँ रखना है, वो रात को भी रखा हुआ है तो भी काम करता है। तो ऐसी एक एक चीज़ की फंक्शनिंग देख के आप उस पर काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट